पर भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। आज संत ईश्वर सम्मान समारोह में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम मोहन मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को लेकर चर्चा संभव है। दोपहर 2:30 बजे सीएम मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे सीएम मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भोपाल मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। संत ईश्वर सम्मान समारोह में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की जाएगी कुछ और अहम मुद्दों पर। जो केंद्र की योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में उनको लेकर चर्चा संभव है। 2:30 बजे सीएम मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबर महासमुंद से, जहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ 4 शराब की दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर एक दुकान में खुद ग्राहक बनकर पहुंचे। दुकानदार ने 220 रुपए की शराब 250 रुपए में बेची, जिसके बाद मामले का पंचनामा तैयार कर आबकारी सचिव को पेश किया गया। वहीं इस पर संज्ञान लेते हुए आबकारी सचिव आर संगीता ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी आबकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो हम लोग महासमुंद जिला में सुबह 10 बजे से लगभग हमारा 4 टीम विभिन्न दुकानों को, विभिन्न तहसीलों में जाके हमारा मदिरा दोनों दुकानों को निरीक्षण किए हैं। उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे कुछ दुकानों में हमको ओवर रेट की बिक्री का शिकायत प्राप्त हुआ था, वो सही निकला। दूसरा जो है, हमारा दुकानों में अभी भी जो है जो सेल्समैन लोग यूनिफॉर्म में नहीं हैं, और जो हमारा ग्राहकों को जो चाहने वाला ब्रांड उसका भी नहीं मिलने का शिकायत जो है कुछ दुकानों से हमको सही पाया गया है। उसके तात्पर्य में हम लोग आज जिला की रिव्यू बैठक हमने लिए हैं, तो उसमें जो है पिछले साल की तुलना में महासमुंद जिला में दोनों देशी मदिरा और विदेशी मदिरा में जो है सेल्स का गिरावट हुई है, वो बहुत ही जो है चिंताजनक है। और इसी में जो है हमारा पूरा रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हो पाएगी, और हमारा जो जिला लेवल की अधिकारियों में यदि वो ब्राह्मण को लेके